as well, you know. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर होंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत दोस्तों, मुझे तुम्हें दरगाह शरीफ के अंदर। और आज है 8 रमजान, तो 8 रमजान के मौके का कैसा मंजर रहेगा दरगाह के अंदर वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ दरगाह के अंदर कितनी रोजदारों की भीड़ रहती है 8 रमजान के मौके पर, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहे। माशाल्लाह दरगाह शरीफ के अंदर का पूरा कैसा मंजर रहेगा आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। माशाल्लाह दोस्तों ये मौजूद हूँ मैं दरगाह शरीफ के अंदर, और आज है 8 रमज़ान, तो आज 8 रमज़ान के मौके का कैसा मंजर रहता है दरगाह के अंदर वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ दरगाह के अंदर किस तरह से रोज़दारों की भीड़ रहती है और रोज़दारों के लिए अफ्तारी के इंतजाम रहता है वो पूरा मंजर आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं मौजूद हूँ शाहजहानी मस्जिद के अंदर, और माशाल्लाह ये शाहजहानी मस्जिद का मंजर है जो भी आप देख रहे हैं। काफ़ी रोज़दारों की भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, और अभी तो इससे ज़्यादा भीड़ होने वाली है अभी शाहजहानी मस्जिद में। अभी तो लगभग जो है 5:40 हो रहे हैं, तो अभी ये आधी पब्लिक है शाहजहानी मस्जिद में, और थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर आपको फुल नज़र आएगी शाहजहानी मस्जिद। तो ये मंज़र मैं जो आपको दिखा रहा हूँ 8 रमज़ान के मौके का शाहजहानी मस्जिद में, माशाल्लाह काफ़ी रोज़दारों की भीड़ है। और जो ख्वाजा जी के आशिक होते हैं वो अपनी तरफ से जो है कुछ ना कुछ तस्कीन करते रहते हैं जो रोज़दार होते हैं उनके आगे, जैसे कि यहाँ पर कोई पानी की बोतल, कोई खजूर, सब अपनी अपनी तरफ से जो हैसियत होती है वो यहाँ पर रोज़दारों के आगे रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ भाई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी की बोतल आगे जो है रोज़दारों के दे रहे हैं। तो ये सब जो है मेहमान ज़ायरीन होते हैं, और जो दरगाह खुद्दाम खादिम होते हैं उनकी तरफ से भी जो है रोज़दारों के आगे फ्रूट वगैरह जो भी अफ्तारी में जो जो सामान लगता है वो उनके आगे रोज़दारों के आगे रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़दारों के आगे कुछ दाल रोटियाँ रखी जा रही हैं, कोई पानी की बोतल रख रहा है, तो सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रोज़दारों के आगे रखते हैं। इनसे पीट से पीट करके बैठो जा अंदर करो, पानी बाहर नहीं गिरेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने शाहजहानी मस्जिद में किस तरह रोज़दारों की भीड़ थी और रोज़दारों के लिए अफ्तारी में क्या क्या इंतजाम थे वो शाहजहानी मस्जिद का मंजर मैंने आपको दिखा दिया है। माशाल्लाह अभी जो है आधे ही रोज़दार अभी मस्जिद में हैं, अभी और जो है धीरे धीरे करके आएंगे और अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। तो माशाल्लाह ये मंजर जो मैंने आपको दिखाया हूँ यहाँ रमज़ान के मौके का था अभी शाहजहानी मस्जिद का। तो अभी चलेंगे अपन आस्थाने के 1 नंबर गेट की तरफ, और फिर चलेंगे अपन 2 नंबर गेट की तरफ, और अभी तो चल रहे अपन दोस्तों आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ, पाइती गेट की तरफ, कदम मौसी गेट की तरफ जो है कवाली की महफिल हो रही होगी, तो वहाँ का भी मंजर दिखाते हैं। और आस्थाने का जो 2 नंबर गेट है वहाँ पर जो है रोज़दार किस तरह से बैठते हैं, वहाँ पर भी क्या इंतजाम रहते हैं रोज़दारों के लिए और क्या मंजर रहता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते अब सीधा कदम मौसी गेट आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ। Thank you.
अभी माशाल्लाह दोस्तों मैं आ गया हूँ आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ, कदम मोसी गेट की तरफ, और जो पैती गेट के नाम से जाना जाता है वहीं की तरफ मौजूद हूँ। और माशाल्लाह सामने आप देख सकते हैं, ये है आस्थाने का दो नंबर गेट जिसे पैती गेट कहते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर कवाली की महफिल में ज़ायरीन मेहमान बैठे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत जो है कवाली की महफिल का प्रोग्राम हो रहा है। और ये मंज़र आप देख सकते हैं अभी। और अभी चल रहे अपन आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ, जहाँ पर अभी दुआएं हो रही है, तो वहाँ पर दुआ में शरीक होते हैं और वहाँ का भी कैसा मंजर रहता है आपको दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं सीधा आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ। माशाल्लाह दोस्तों, जैसे कि आपने आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ का मंजर देख लिया था, वहाँ पर जो है दुआएं हो रही थी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। और अभी मैं मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि अभी मौजूद हूँ आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ, पैती गेट की तरफ। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दस्तरखान बिछा दिया गया है और रोज़दारों के आगे अफ्तारी रखी जा रही है माशाल्लाह। तो ये मंजर आप देख सकते हैं अभी। जमीन का भी फिर क्या, अभी तो नहीं मिलेगा जमीन क्या, अभी बहुत बन रहा है और भी बन रहा है।
माशाल्लाह दोस्तों, ये 8 रमज़ान के मौके का मंजर था जो मैंने आपको दिखा दिया, किस तरह से रोज़दारों की भीड़ रहती है और क्या क्या अफ्तारी में इंतजाम रहते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर से बताओ, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल में मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी के साथ एक नई वीडियो में।